आप सबने वो जुमला तो जरूर सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। ये कहानी है साल 2020-21 की। हाँ हाँ, ये वही साल है। हाँ, ये उसी समय की बात है जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में घुस के ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। हाँ, ये वही साल है जब भारत ने गाबा में जाके ऑस्ट्रेलिया का बाजा बजा दिया था। लेकिन 19 जनवरी 2021 को ऋषभ पंत के द्वारा मारे गए उस विनिंग शॉट ने सिर्फ उनका घमंड नहीं तोड़ा जो मैदान में मौजूद थे, बल्कि उनका भी तोड़ा जो कुछ दिन पहले तक मैदान के बाहर से भौंकने में लगे थे। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में एक जुमला बोला था, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। ये मैंने यूं ही थोड़ी कहा था। देखो, ये कहानी जिस समय की है ना, तब टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा गुंडा भारत था, और जिस तरीके से विराट कोहली की कैप्टेंसी में भारत टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा था, वो कुछ कुत्तों को पसंद नहीं आ रहा था। बड़ी सिंपल सी बात है यार, जिस ऑस्ट्रेलिया ने सालों तक क्रिकेट में राज किया था, वो इस बात से तो किलसते ही थे ना कि मार्केट में एक ऐसा शेयर आ गया है जो सिर्फ दहाड़ता नहीं है बल्कि खा जाता है। आधे से ज्यादा घमंड ऑस्ट्रेलिया का धोनी की कप्तानी में इंडिया ने तोड़ दिया, और जो थोड़ा बहुत बचा था उसे विराट कोहली की कैप्टेंसी में इंडिया साल दर साल तोड़ने में लगी थी। तो बस इतना समझो, जब कुत्ते को ये पता होता है ना कि सामने हाथी है, तो वो ये तो जानते हैं कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भौंक के ये जताने की कोशिश करते हैं कि प्लीज मुझसे डरो। और हाथी ये सोच के आगे बढ़ता रहता है कि यार, अब इन कुत्तों के भौंकने का भी मैं जवाब देने लगा ना, तो फिर मैं क्या ही हाथी हुआ। लेकिन अब जो कहानी आप सुनने वाले हैं, इसमें हाथी कुत्ते के भौंकने को इग्नोर कर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वो कुत्तों के सामने ऐसा चिंघाड़ा कि कुत्ते उसके बाद भौंकना ही भूल गए। बात है 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच खेले गए एक मैच की। ये वही एडिलेड टेस्ट मैच है जहां भारत अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास के लोवेस्ट स्कोर 36 पे ऑल आउट हुआ था। पृथ्वी शॉ 4 रन, मयंक अग्रवाल 9 रन, पुजारा 0 रन, कोहली 4 रन, रहाणे 0 रन, हनुमा विहारी 8 रन, साहा 4 रन, अश्विन 0 रन, बुमराह 2 रन, उमेश यादव 4 रन और शामी 1 रन। पूरी टीम में एक भी प्लेयर नहीं था जो डबल डिजिट स्कोर को टच कर पाया हो। नतीजा क्या हुआ? भारत को 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। देश विदेश से भारतीय टीम को अपमान के सिवा और कुछ ना मिला। और इसी के साथ एक मौका मिल गया उन सभी जुबानों को भौंकने का जो पिछले कई सालों से तेजाब के जहरीले घूंट पिए जा रहे थे। इसमें सबसे पहली जुबान थी ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रिकी पोंटिंग की। पोंटिंग को तो आप जानते ही हैं, बोलने के मामले में तो ये बड़े बड़े नेताओं को फेल कर दें। कोई कैसे भूल सकता है कि इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया आधे मैचेस अपने खेल से नहीं बल्कि जुबानों द्वारा करी गई स्लेजिंग से जीतती थी। तो बस पोंटिंग को लगा सही मौका है इस हारी हुई टीम को इतना ज्यादा डिमोटिवेट करने का कि यहां से ये इंडियन टीम कमबैक करने के बारे में सोचे भी ना। पोंटिंग खुले बाजार में एक बयान दे देते हैं कि एडिलेड टेस्ट में जो हश्र भारत का हुआ है उसे देखते हुए ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अब इस सीरीज में भारत का व्हाइट वॉश होना तय है। अब पोंटिंग बोले तो पीछे पीछे ऑस्ट्रेलिया के एक और एक्स कैप्टन स्टीव वॉक भी आ गए। वो बोले कि इंडियन टीम इतना बुरा हारी है कि उन्हें खुद अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं होगी कि वो ये सीरीज जीतेंगे। इस टेस्ट सीरीज का जो रिजल्ट है वो तय हो चुका है 4-0। पोंटिंग और स्टीव वॉक का साथ देने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉगन भी मैदान में कूद गए, और उन्होंने तो भारतीय इनिंग के बाद ही ये बयान दे दिया कि अगर ये मैच भारत हार गया, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कोहली चौथे टेस्ट मैच से पहले घर चले जाएंगे, तो ये तय है कि भारत को 4-0 से ये सीरीज हारने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतने बयानों के बाद याद है ना कि इन सभी की जुबानों पे कैसे ताला लग गया था, कैसे इन सभी को सांप सूंघ गया था जब भारत ने दूसरा टेस्ट मैच 8 विकेट से जीता और तीसरा मैच ड्रॉ करा दिया। एक ही वक्त पे पैंट गीला और पीला होना किसे कहते हैं, ये अगर जानना था तो इस वक्त इसका सबसे अच्छा जवाब पोंटिंग
वॉग और वॉगन ही दे सकते थे। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के बाद इन तीनों को बहुत ढूंढा गया ताकि इनसे इनकी 4-0 वाली भविष्यवाणी के ऊपर कुछ टिप्पणी दी जा सके, लेकिन ये बेचारे क्या ही बोलते। भौंकना तब तक ही ठीक था जब तक हाथी शांत था। हाथी थोड़ा सा पगलाया क्या, कुत्ते भौंकना तो छोड़ो बकरियों जैसे मिमियाने के लायक भी नहीं रहे। लेकिन अभी चौथा और आखिरी टेस्ट मैच बाकी था। अगर ऑस्ट्रेलिया ये चौथा टेस्ट मैच जीत जाता तो जाहिर सी बात है सीरीज भी जीत जाता, और अगर सीरीज जीत जाता तो वापस से उन लोगों को बोलने की हिम्मत मिल जाती जो फिलहाल मौन व्रत पे चले गए थे। चौथे टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के एक और एक्स कैप्टन का माथा ठनकता है और अब भारतीय टीम को चिढ़ाते हुए माइकल क्लार्क एक अतरंगी सा बयान देते हैं कि भारत एक साल तक सेलिब्रेट करता रहेगा अगर वो चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को बिना विराट कोहली के हरा देगा। मैं बता दूं कि विराट कोहली चौथे टेस्ट मैच से पहले निजी कारणों के चलते घर लौट चुके थे और ये बात ऑस्ट्रेलिया भी बड़े अच्छे से जानता था। ऑस्ट्रेलिया और माइकल क्लार्क ये भी जानते थे कि कोहली के साथ साथ बुमराह, शामी, अश्विन, जडेजा, ईशान शर्मा, उमेश यादव ये सभी प्लेयर्स चौथे टेस्ट मैच से पहले ही इंजर्ड हो बाहर हो चुके हैं। तो बस फिर क्या, क्लार्क ने सोचा टीम का मोराल ऑलरेडी डाउन है, थोड़े उल्टे सीधे बयान देके क्यों ना थोड़ा और माहौल बनाया जाए। पर सत्य तो ये है कि क्लार्क के बयान ने माहौल ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए बना दिया। इंडियन प्लेयर्स का खून कुछ ऐसा खौला कि जब वो रहाणे की कप्तानी में चौथा टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरे तो ऐसा खेले कि मैच तो जीता ही जीता बल्कि वो सीरीज भी अपने नाम कर ली, जिस सीरीज को लेके कुछ मूर्ख कुछ दिन पहले तक ये कहने में लगे थे कि ये सीरीज भारत 4-0 से हारेगा। बस फिर क्या, पॉन्टिंग, वॉग, वॉगन और क्लार्क ने उस दिन के बाद शपथ ले ली कि साला कुछ भी करने का लेकिन इंडिया वालों को उंगली नहीं करने का, क्योंकि जब इंडिया की खिसकती है ना तो वो सिर्फ उंगली को पकड़ते नहीं हैं बल्कि पकड़ के तोड़ देते हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और सेम टाइम पे अगर आप पॉन्टिंग, वॉग, वॉगन और क्लार्क के बारे में कुछ अनमोल शब्द कमेंट में छोड़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और ऐसी ही जबरदस्त स्टोरीज क्रिकेट की आप आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।